हेलो भैया, प्रेज द लॉर्ड। हवा के दोष पर सरहदों की कैद से आजाद आपका दोस्त, आपका भाई, आपका खादिम पद नोबल सैमुअल बाइबल टीवी ग्लोबल लेमन स्टूडियो में मौजूद आपकी खिदमत में हाजिर है और सलाम पेश करता है। हम माफी चाहते हैं कि प्रोग्राम थोड़ा सा लेट शुरू हो रहा है। उसकी वजह यह है कि मैं चाहता था कि थोड़ी सी हम दोस्तना प्रेज एंड वर्शिप जो है वो भी इस प्रोग्राम में हो, और कुछ मसरूफियात की वजह से भाई सुहेल दीन जो है वो थोड़ा सा लेट हैं, लेकिन हम प्रोग्राम को शुरू कर रहे हैं और उम्मीद करते हैं कि आप हमारा साथ देंगे और लेटर हमारे भाई सुहेल दीन जो हमें ज्वाइन करेंगे और हम प्रोग्राम की हम दोस्तना करेंगे सब मिलकर। तो आइए प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं खुदा के जिंदा पाक नाम में। और मैं चाहूँगा कि आप ज़रूर इस प्रोग्राम के बारे में दूसरों को बताएं और खुद भी इस प्रोग्राम को देखें और बरकत पाएं। ये टाइम मैंने इसलिए रखा हुआ है कि आप दिन भर की जो मसरूफियात होती हैं उनसे फारिग होकर तो आप इस प्रोग्राम में शामिल हुआ करें, बाइबल स्टडी किया करें। और पाकिस्तान में जिस वक्त रात 12:30 बजे का टाइम है, लेकिन मुझे पता है कि लोग काफ़ी देर से जो सोते भी देखें। बहुत सारे जो बहन भाई हैं मेरे साथ मिल गए हैं, हम उनको वेलकम कहते हैं। हमारी प्यारी बहन रवीना बच्ची हमारे साथ, ये बिल्कुल नीलस हैं, सिद्धार्थ कपूर हैं और प्राचीन है रवीना बत्ती जी, उनको सब उनको संत भट्टी साहब हैं जी, तो पटिया जी मैं तो लग गई भाई। तो सारे जो है जी बहन भाई जो हैं सब मेरे साथ शामिल हो गए हैं, तो हम खुदा का शुक्र अदा करते हैं सब अजीजों के लिए। तो चलें दुआ करते हैं और रिलैक्स हो, बिल्कुल आप इजी होकर बैठें और खुदावन के हजूर। हम आज बहुत ही अहम मीटिंग है, और एक बात जो मैं ख़ासतौर पर इस मीटिंग के शुरू में आपसे कहना चाहता हूँ वो ये है कि आप ऐसा करें कि जो भी आपके अजीज हैं बहन भाई हैं उनका अगर आप कॉन्टेक्ट अगर आप दे दें या उनको बता दें मिनिस्ट्री है ख़ासतौर पर इसका हमने इनेकाद किया है, प्रोग्राम आज हीलिंग का है, तो आप ऐसा करें कि उनके नाम जो हम डिटेक्ट कर सकते हैं। अगर आप मुझे स्टूडियो में फ़ोन करना चाहें तो 07-18-99-2824 पर आप मुझे कॉल कर सकते हैं स्टूडियो में। और जो जूम पे मेरे साथ लोग हैं मैं उनको वेलकम करता हूँ। जूम का मैंने लिंक जो है वो बाय द वे मैंने किया हुआ है, जो हमारी जो साइट है उस पर आप जूम में देख सकते हैं और उस पर आप जा सकते हैं। तो आइए हम दुआ करें और आज के प्रोग्राम को खुदा के हाथों में दें। खुदा बुजुर्ग पाक खुदा ज़मीन और आसमान के खालिक और मालिक, तेरा शुक्र तेरी तारीफ तेरी हम करते हैं कि तू हमारे साथ है। फिर खुदा हम तेरी शुक्रगुजारी करते हैं इस सारे इंतजाम के लिए, इस अच्छे मौका के लिए, अच्छे मौसम के लिए और फिर खुदा सारी आज़ादी के लिए जो तुमने बख्शी है। दुआ करते हैं खुदा कि तू इस आज़ादी को कायम रखना। आज जब के तेरे लोगों के लिए हम शफा चाहते हैं, वो चाहते हैं कि खुदा उनको अपने लोगों को बड़ी बरकत देना। इस पूरे माहौल को भी सर खुदा मैं तेरे कब्जा में देता हूँ, तेरे पापों की मामूली चाहता हूँ। और अगर खुदा दुआ करते हैं कि जो भी अजीज बहन भाई दूर नज़दीक माध्यम के जरिए इस सारे सोशल मीडिया के जरिए खुदा हमारे साथ शामिल हैं, उनके घरों पर भी खुदा तेरा पैरा दे, तेरे फरिश्ते उनकी हिफाजत होने के बानी फरमाएं। खुदा को हम सबके साथ होना और हमारी हमदो सना पर कसनशीम होना, और जितने भी अजीज इस प्रोग्राम में हिस्सा लेते हैं खुदा उनको बड़ी बरकत देना और हमारे ईमान को बढ़ाना। सारे प्रोग्राम को हम तेरे हाथों में देते हैं यीशु के जिंदा जलाली और बाबरकत नाम में, आमीन। एक खूबसूरत जो जहूर है वो मैं खुदा के हजूर तलाब करना चाहूँगा आप सबके लिए। जबूर 126 है। जब खुदावन सय्यून के असीरों को वापस लाया तो हम ख्वाब देखने वालों की माने थे, उस वक्त हमारे मुंह में हंसी और हमारी जुबान पर आराधनी थी। तब कौमों में ये चर्चा होने लगा कि खुदावन ने उनके लिए बड़े बड़े काम किए हैं, खुदावन ने हमारे लिए बड़े बड़े काम किए हैं और हम शादमान हैं। आए खुदावन जुनूब की नदियों की तरह हमारे असीरों को वापस ला, जो आंसुओं के साथ रोते हैं खुशी के साथ काटेंगे,
जो रोता हुआ बीज बोने जाता है वो अपने बोले लिए हुए शादमान लौटेगा। खुदा के पाक कलाम के पढ़े सुने जाने पर खुदा की बरकत हो। अजीजों, मैं एक खास तौर पर शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ अपने तमाम बहन भाइयों के लिए। कल मैंने बड़े ईमान के साथ एक दरख्वास्त की कि मुल्तान में हमारे एक भाई हैं जो कि हमारे बड़े अच्छे व्यूअर हैं, उन्होंने मुझे ये हुक्म किया कि उन्हें बाइबल मुकद्दस जो है वो चाहिए अपने चर्च के लिए। और मैं बड़ा खुदा का शुक्र करता हूँ ऐसे काबों के लिए, खुदा के लोगों के लिए कि जो हमारे साथ इस प्रोग्राम में शामिल होते हैं। तो जब मैंने उनसे ये कहा कि आपको कुछ चाहिए तो मुझे बताएं, क्योंकि दिनों में जब हम राशन तकसीम कर रहे थे तो मैंने उनसे दरख्वास्त की कि अगर आपको कुछ भी चाहिए तो आप मुझे बताइए। तो उन्होंने कहा कि नहीं, मुझे सिर्फ बाइबल मुकद्दस चाहिए अपने चर्च के लिए। आई वाज सो ग्लैड, क्योंकि मैं एक्सपेक्ट करता शायद वो अपने लोगों के लिए वहाँ के लिए कुछ हेल्प के लिए बोलेंगे राशन वगैरह के लिए। तो मैंने उनसे वादा किया कि ठीक है, मैं आपके लिए बाइबल मुकद्दस जो है मैं अरेंज करूँगा। पिछले 3-4 दिन से मैं खासा बिजी था प्रोग्राम के हवाले से। कल रात को मैंने जब दरख्वास्त की कि मुझे 30 बाइबल्स जो है वो चाहिए, और मैं खुदा का शुक्र अदा करता हूँ कि जैसे मैंने ईमान के साथ कहा था कि आज रात को ही ये सारा इंतजाम हो जाएगा, और मैं आपको बड़ी शुक्रगुजारी के साथ खुदा के हुजूर और बड़ी इंकसारी के साथ ये बात कहना चाहता हूँ कि हर प्रोग्राम में आने से पहले ये सारा इंतजाम जो है वो हो चुका था। और इसके लिए मैं भाई अरुण सिंह का, जो कि मेरे चर्च के बड़े काबिल मेम्बर हैं, उनके लिए, अपनी बहन मीने सदा रखा के लिए जो कि हमारी क्वायर के मेम्बर हैं, उनके लिए बहुत प्यार करने वाली बहन है, और हमेशा उन्होंने हमारे जितने भी मिशनरी वर्क था उसको हमेशा उन्होंने सपोर्ट किया है। वो उनका घराना जो सो कमिटेड एंड डेडिकेटेड, और हमारे बड़े ही चर्च के प्यारे खानदान के लोग हैं उन्होंने। और फिर उसके बाद गुलजार अहमद जो कि मुस्लिम कॉन्वर्ट हैं, और उन्होंने जब प्रोग्राम को देखा तो उन्होंने मुझे फ़ोन किया कि मैं अभी इसमें हिस्सा डालना चाहता हूँ, और उन्होंने भाई मुकद्दस जो है वो दी। उसके बाद डॉक्टर शरीफ साहब जो हैं एडर अकील के डैडी जो हैं उनकी तरफ से ये बाइबल मुकद्दस जो हैं वो जो है रिस्पॉन्स की गई, डेडिकेट की गई। तो मुझे जो 30 बाइबल चाहिए थी बाय द ग्रेस ऑफ गॉड वो मुझे मिल गए हैं, और मैं खुदा का शुक्र करता हूँ। देखिए, खुदावन के लिए कोई बात मुश्किल नहीं है। हम पता नहीं सोचते रहते हैं, घबराए रहते हैं, परेशान रहते हैं कि पता नहीं हम ये बात करेंगे होगी या नहीं होगी। तो शक ना किया करें मेहरबानी करके। अगर आपको खुदा ने कुछ काम दे दिया, असाइनमेंट दे दिया, इफ इट्स अ गॉड्स गिवन असाइनमेंट देन देयर शुडंट बी एनी प्रॉब्लम, उसमें फिर कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। और मैंने तो हर कदम पर यह तजर्बा किया है कि जो काम मुझे खुदावन ने करने को दिया, जब मैंने उस काम को किया तो खुदावन ने हमेशा उसमें मुझे बरकत दी है और मेरा साथ दिया है। तो मैं इन तमाम बहनों भाइयों के लिए दुआ करना चाहूँगा, खुदा की बरकत चाहूँगा उनके लिए, और फिर हम प्रोग्राम को आगे बढ़ाएंगे। तो आइए हम इन खानदानों के लिए खुदा की शुक्रगुजारी करें जिन्होंने अपने दिलों को खोला, अपनी मुट्ठी को खोला, और ये बाइबल मुकद्दस जो है उन्होंने खुदावन के जलाल के लिए पास्टर आरिफ हंस साहब जो कि मुल्तान से हैं उनके लिए उन्होंने दिए। जो पास्टर हंस साहब वो पार्ट टाइम जो है खुदा की खिदमत करते हैं, हॉस्पिटल में वो काम करते हैं, और कल जब मैंने उनको रिंग किया तो वो ड्यूटी पर थे, आज इस वक्त वो ड्यूटी पर होंगे और वो ज़रूर हमें ज्वाइन करेंगे किसी वक्त। तो लेकिन मैं उनके लिए, उनके घराने के लिए, उनकी वाइफ के लिए खास तौर पर दुआ करें। खुदा ने उनको शफा दी है और वो कैंसर पेशेंट थी और उनका ऑपरेशन हुआ, लेकिन अभी भी उनके लिए दुआ की ज़रूरत है ताकि खुदा उनको कुव्वत और ताकत बख्शे। तो आइए हम इन खानदानों के लिए खास तौर पर खुदा उनकी बरकत चाहें। तो हम चाहेंगे कि हम सब इस बात के लिए खुदा का शुक्र अदा करें, क्योंकि वही हम तारीफ और शुक्रगुजारी के लायक है। आइए हम दुआ मांगें। खुदा, मैं दिल की गहराइयों से तेरा शुक्र करता हूँ कि तू बरकात का सच चश्मा है। खुदा, मैं तेरी शुक्रगुजारी करता हूँ इन तमाम हदियों के लिए, निजरानों के लिए जो कि तेरे जलाल के लिए दिए गए। अगर खुदा, मैं तेरी शुक्रगुजारी करता हूँ बजवीनस के लिए, मिस्टर अरुण सिंह के लिए, मिस्टर शरीफ के लिए, और अगर खुदावंद तेरी शुक्रगुजारी करते हैं अपने भाई गुलजार के लिए और खानदानों के लिए जिन्होंने खुदावंद की बाइबल मुकद्दस तेरे जलाल के लिए स्पॉन्सर की है। खुदा, मैं दुआ करता हूँ कि ये कलाम तेरे लोगों के अंदर जड़ पकड़े, और अगर खुदा भाई आरिफ हंस के लिए और उनके सारे घराने के लिए, खासतौर पर उनकी अहलिया के लिए दुआ करते हैं। खुदावंद अपने बंदे को छू और उन्हें बड़ी बरकत दे, हिम्मत ताकत से तंदुरुस्ती ताकुमा हम सबके साथ हो। तेरे यीशु नाम में ये दुआ मांगते हैं, आमीन।
आइए हम खुदा के पाक कलाम की तलावत को सुनते हैं और मैं दरख्वास्त करूंगा बेटे इब्राहिम अकील को कि वो लूका उसका 8 बाब उसकी 43 से 48 आयत तक हमारे लिए तलावत करें। लूक चैप्टर 8 वर्स 43 टू 48। इब्राहिम Luke chapter 8, verse 42 to 48. A woman in the crowd has suffered for 12 years with constant bleeding, and she could not find any cure. Coming up behind Jesus, he touched the fringe of his robe. Immediately, the blood stopped. "Who touched me?" asked Jesus. Everyone denied it, and Peter said, "Master, this whole crowd is pressing up against you." But Jesus said, "Someone deliberately touched me, for I felt healing power go out from me." When the woman realized that she could not stay hidden, she began to tremble and fell to her knees in front of them. The whole crowd heard her explain why she had touched him, and that she had been made to the daughter. He said to her, "Your faith has made you well. Go in peace." This is the word of the Lord. Thank you to God. थैंक यू बेटा, गॉड ब्लेस यू। जहाँ खुदा अपना आपको बेटा बड़ी बरकत दे। मैं उर्दू जबान में इस वेद को जो है वो तलावत करना चाहूँगा। मुकदस लूका का अंजीली बयान इसका 8 बाब उसकी वर्ष 43 से। और एक औरत जिसके 12 वर्ष से खून जारी था और अपना सारा माल हकीमों पर खर्च कर चुकी थी और किसी के हाथ से अच्छी ना हो सकी थी, उसके पीछे आकर उसकी पोशाक का किनारा छुआ और सीधा उसका खून बहना बंद हो गया। इस पर यीशु ने कहा, वो कौन है जिसने मुझे छुआ? जब सब इनकार करने लगे तो पतरस उसके साथियों ने कहा, आए साहब, लोग तुझे दुबाते और तुझ पर घिरे पड़ते हैं। मगर यीशु ने कहा, किसने मुझे छुआ? तू ही, क्योंकि मैंने मालूम किया कि कुवत मुझसे निकली है। जब उस औरत ने देखा कि मैं छिप नहीं सकती तो कांपती हुई आई और उसके आगे गिरकर सब लोगों के सामने बयान किया कि मैंने किस वक्त से तुझे छुआ और किस तरह उसी दम शफा पा गई। उससे कहा, बेटी, तेरे ईमान ने तुझे अच्छा किया, सलामत चली जा। खुदा के पाक कलाम के बड़े समझे जाने पर खुदा की बरकत हो। हम एक और बिंद खुदा के पाक कलाम से देखेंगे, दूसरा सलाती उसका 5 बाब 10 से 19 आयत। सेकेंड किंग चैप्टर 5 वर्स 10। और अलीशा ने एक कासिर की मार्फत कहला भेजा, जा और यर्दन में 7 बार गोते मार, तो तेरा जिस्म फिर बहाल हो जाएगा और तू पाक साफ होगा। पर नुमान नाराज होकर चला गया और कहने लगा, मुझे गुमान था कि वो निकलकर जरूर मेरे पास आएगा और खड़ा होकर खुदावन्द अपने खुदा से दुआ करेगा और जगह के ऊपर अपना हाथ इधर उधर हलाकर कोड़ी को शिफा देगा। क्या दमिश्क के दरिया अबाना और फरफर इसराइल ये सब नदियों से भरकर नहीं है? क्या मैं उनमें नहाकर पाक साफ नहीं हो सकता? सो वो मुड़ा और बड़े कहर में चला गया। तब उसके मुलाजम पास आकर उससे यूं कहने लगे, आए हमारे बाप, अगर वो नबी कोई बड़ा काम करने का हुक्म तुझे देता तो क्या तू उसे ना करता? पर जब वो तुझसे ये तुझसे कहता है कि नहा ले और पाक साफ हो जा, तो कितना ज्यादा उससे मानना चाहिए। तब उसने उतर कर मर्द खुदा के कहने के मुताबिक यर्दन में 7 गोते मारे और उसका जिस्म छोटे बच्चे के जिस्म की मानिंद हो गया और वो पाक साफ हुआ। फिर वो अपने जिलों के सब लोगों समेत मर्द खुदा के पास लौटा और उसके सामने खड़ा हुआ कहने लगा कि देख, अब मैंने जान लिया कि इसराइल को छोड़कर और कहीं रूए जमीन पर कोई खुदा नहीं, इसलिए अब करम फरमा कर अपने खादम का हदिया कबूल कर। लेकिन उसने जवाब दिया,
खुदावंद की हया की कसम जिसके आगे मैं खड़ा हूं, मैं कुछ नहीं दूंगा। और उसने उससे बहुत इसरार किया कि ले, फिर उसने इनकार किया। तब नुमान ने कहा, अच्छा तो मैं तेरी मिन्नत करता हूं कि तेरे खादम को दो खच्चरों का बोझ मिट्टी दी जाए, क्योंकि तेरा खादम अब से आगे को खुदावंद के सिवा किसी गैर महबूद के हजूर ना तो सोखने कुर्बानी ना जबिया चढ़ाएगा। पर इतनी बात मैं खुदावंद तेरे खादम को माफ करे कि जब मेरा आका प्रस्तुत करने को कोहरमून के मंदिर में जाए और वो मेरे हाथ पर तकिया करे और मैं रमून के मंदिर में सर नभू हूँ, तो जब मैं रमून के मंदिर में सर नभू हूँ तो खुदावंद इस बात में तेरे खादम को माफ करे। उससे कहा, सलामत जा। सो उससे रुख्सत होकर थोड़ी दूर निकल गया। खुदा के पाक कलाम के पढ़े सुने समझे जाने पर खुदा की बरकत हो। आमीन। जैसे कि आज खासतौर पर हीलिंग का प्रोग्राम है, हीलिंग मिनिस्ट्री का प्रोग्राम है, तो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि हम जो है आज ज़्यादा वक्त जो है वो खुदा के हजूर दुआ में और हीलिंग मिनिस्ट्री के लिए जो है वो सर्व करेंगे। तो आप मेरे साथ ज़रूर इस बात को मिलकर कीजिएगा कि हम दुआ भी करेंगे और इसके साथ साथ हम इस बात के लिए भी अपने आप को तैयार करेंगे कि हम खुदा की हमदोसना करें और आपके लिए दुआ करेंगे। खास तौर पर मेरे साथ खुदा के खादम एल्डर सरफराज साहब जो है वो फिर साहब जो है पहुँच गए हैं। एल्डर सरफराज साहब वेलकम जी आपको, और आपने बड़ा टाइम दिया अपना, आप तशरीफ लाए हैं। हम खुदा का शुक्र अदा करते हैं इस बात के लिए। और मैं जरा थोड़ा सा इसको सेट कर लूँगा आपके कैमरे को, और बड़ा अच्छा लग रहा है जी। खुदा का शुक्र इस बात के लिए कि भाई जो हमारे साथ हैं। तो हम थोड़ा सा कलाम पे गौर करेंगे और उसके बाद फिर हम आपके लिए दुआ करेंगे। और जैसा कि हमने भी खुदा के पाक कलाम में से दो हवाला जात जो है वो तलावत किए हैं, एक हवाला हमने मुकद्दस लुका की अंजील में से तलावत किया, लुका 8 बाब उसकी 43 आयत से, और फिर हमने लिखा दूसरा सारा 3 और उसका 5 बाब। इन दोनों अबवाब में हम शिफा के काम को देखते हैं, और इनमें दो किरदार हैं जिन पर मैं अभी आज शाम फोकस करना चाहता हूं। सबसे पहले हम पुराने अहदनामा के इस किरदार को देखते हैं कि ये एक बड़ा बाख्तियार शख्स था, नुमान जो है, और सरदार था फौजों का। और हम इसको देखते हैं कि ये शाह आराम के लश्कर का सरदार नुमान अपने आका के नजदीक मुअज्जम और मुकर्रम शख्स था। पांचवें बाब में दूसरे तरह इसके 5 बाब में हम इस बात को देखते हैं। लिखा कि बड़ा जबरदस्त सूरमा था, लेकिन उसकी एक मुश्किल थी कि वो कोड़ी था और वो अपने कोड़ को छुपाता था। ही वाज सो एंबैरस्ड, वो किसी को बताता नहीं था। ही वाज नॉट शेयरिंग दिस डिजीज विद एनीवन, कि मैं बीमार हूं, ही वाज नॉट टेलिंग एनीवन। उसके घर में एक बच्ची थी जो कि वहां पर मुलाजमा थी। उसने देखा कि मेरे जो आका है उसको कोड़ है। उसने अलीशा के बारे में बताया कि हमारे यहां एक नबी है जो कि शिफा दे सकता है। तो जब अलीशा को यह मालूम हुआ, और हम कहते हैं कि उसके अंदर बड़ा गुरूर और तकबर था। एक लफ्ज जिस पर मैं अभी गौर कर रहा था, यान गाय थे, फिर नुमान नाराज होकर चला गया, कहने लगा मुझे गुमान था कि वो निकलकर जरूर मेरे पास आएगा। उसको इतना घमंड था अपने इख्तियार पर कि वो सोच रहा कि मैं अलीशा के पास क्यों जाऊं, वो मेरे पास आए। ही थॉट कि वो मेरे पास आए, मैं उसके पास क्यों जाऊं। और वो ये भी सोच रहा था कि मेरा जो इख्तियार है, वो अपने आप को ये समझता था कि वो इतना बा इख्तियार है कि उस जो नबी है उसको मेरे पास आना चाहिए। ही गॉट नो रिस्पेक्ट फॉर द मैन ऑफ गॉड, और उसने कहा कि नहीं, उसको मेरे पास आना चाहिए था, मैं पहले सोच रहा था ऐसा करेगा। हम जब इस वाक्य को आगे चलकर देखते हैं
तो उसको ये कहा गया कि तू जाकर तो जो दरिया उसमें गोते ले सात बार। अब ये एक बड़ी अजीब बात थी, अब ये भी उसके लिए बड़े गुस्से की बात। उसने कहा कि इतने दमिश्क में इतने अच्छे अच्छे दरिया हैं और मुझे ये क्यों कहा जा रहा है कि तू जाकर तो वहां पर गोते ले। और लिखा तो बड़े कहर में मुड़ गया, वापस चला गया। ही वाज सो एंग्री, यहां पर जो लफ्ज लिखे कि बड़े कहर में चला गया, फ्यूरियस, फुल विद एंगर, उसका दिल जो है बड़ा गुस्से में था। अब जो सात लोग थे, नेचुरली उनके दिल में उसके लिए इज्जत थी और उन्होंने उसके जो मुलाजम थे उन्होंने उसको बड़ी रिस्पेक्ट दी, फादर लॉर्ड, कि अगर इससे बड़ा को काम कहा जाता तो वो आप ना करते। खैर उसने उनका कहा माना और उसने जाकर तो यर्दन में सात बार गोते लिए। अब जब इस सारे प्रोसेस को देखते हैं तो उसने जब बार बार वो गोते ले रहा था तो खुदावंद चाहता है कि हम उसका जो प्रोसेस है, जो हीलिंग प्रोसेस है, उसको भी हम अपने जहन में रखें। और उसके लिए बड़ी एक सब्र आजमा बात थी, बड़े पेशेंस की जरूरत थी। और मैं देखता हूं कि जब उसने ये सारे प्रोसेस को पूरा किया और जब वो पानी से बाहर आया सातवीं बार, उसका जिस्म जब बच्चे के माने हो गया, मैं दिल में वो ये कहता था। इसी तरह हम भी अपने दिल में बड़ा कुछ सोचते रहते हैं कि क्यों मैं ऐसा क्यों करूं। अंजील मुकद्दस से मरकज की अंजील में हम ये वाक्या देखते हैं कि एक शख्स जो था, उसका मुलाजम जो था, वो बीमार था और उसने खुदा से दरख्वास्त की। उसने कहा कि जब मैं अपने नौकरों को कहता तुम जाओ तो वो जाते हैं, जब उनको बुलाता हूं तो आते हैं। तो उसने कहा मैं इस लाइफ नहीं कि तुम्हें छत के नीचे जाए, लेकिन तुम सिर्फ कह ही दे तो मेरा मुलाजम जो है वो शफा पाएगा। अब जिस औरत के बारे में भी हमने लुका के अंजीली बयान में पढ़ा, वो अपने दिल में ये कहती थी कि जब मैं उसकी पोशाक का किनारा छूलूंगी तो शफा पाऊंगी। इट्स ऑल डिपेंड अपॉन योर माइंडसेट, योर थॉट्स। आप अपने मन में क्या सोच रहे हैं? नुमान सोचा था कि नहीं, आई थॉट, मैं ये सोच रहा हूं, मेरा ये ख्याल था, मेरी ये सोच थी। वी डोंट वॉन्ट टू कम टू क्राइस्ट। बट दिस वुमन, ही स्पेंट ऑल हर मनी, 12 साल से भी बीमार थी, और लिखा है कि अपना सारा रुपया पैसा जो है वो हकीमों को दे चुकी थी। शी वाज पेनलेस। जब हम बिल्कुल नाउमीद हो जाते हैं, खुदा नथिंग से शुरू करता है। जब कुछ नहीं था उसने कायनात को बनाया, जब उसके पास कुछ नहीं रहा तो खुदा के पास आई और खुदा ने उसको शिफा दी। आज इन दोनों वाकयात को लेकर, एक तो वो शख्स जो कि गैर कौम से था, दिस मैसेज इज फॉर द नॉन क्रिश्चियंस, मे बी यू आर थिंकिंग इन योर माइंड व्हाई आई शुड गो टू क्राइस्ट, व्हाई आई शुड आस्क हिम, खुदा मुझे क्यों शफा दे, मैं तो उसके पास जाऊं। ये इट क्रिएट लॉट ऑफ टेंशन, वी नीड टू बी हम्बल। हमें हलीम और फरोतन होने की जरूरत है, टोटल सबमिशन, सरेंडर करने की जरूरत है। अगर आप मसीही नहीं हैं, प्रोग्राम को देख रहे हैं, और अगर आप नॉमिनल क्रिश्चियन हैं, मैं आपको भी ये बात कहना चाहता हूं, वो जो कि सिर्फ संडे क्रिश्चियन है, मैं उनसे भी ये बात करना चाहता हूं। वन आवर क्रिश्चियन जो है, 45 मिनट क्रिश्चियन जो है, हाफ एन आवर क्रिश्चियन जो है, सिर्फ उनसे मैं ये बात करना चाहता हूं कि अगर आपका सब्र मसीह इतना महदूद है तो आज आपको जरूरत है कि आप खुदा से दुआ करें कि वो आपके ईमान को बढ़ाए। उस औरत की तरह जो अपने दिल में ये कह रही थी, मैं सिर्फ उसकी पोशाक को छूलूंगी तो शफा पाऊंगी। अजीजो, वेयर एवर यू आर, यू डोंट नीड टू बी अफ्रेड, हिज हैंड कैन रीच यू, उसका हाथ आप तक पहुंच सकता है। उसका हाथ छोटा नहीं कि बचा ना सके, और उसका कान भारी नहीं कि सुन ना सके। Doesn't matter if you are not in the church, if you are sitting at your home,
if you are away from the churches, but his healing power is working in your life. कल जब खुदावन ने मुझे ये हुक्म किया तो मैं सोचा था कि हीलिंग मिनिस्ट्री ऑनलाइन, खुदावन आज के बड़े अजीब काम जो है वो कर रहे हैं इन दिनों में, जबकि लोग लॉकडाउन का शिकार थे। लॉकडाउन के हवाले से मुझे एक और वाक्य याद आ गया। मरकज की इंजील में एक शख्स के बारे में हम देखते हैं कि वो कब्रों में रहता था, अपने आप को जख्मी करता था, बेड़ियों से उसको बांधते थे, जंजीरों से बांधते थे, उनको तोड़ देता था। He was in isolation, lonely, but he was like a superman. कहां क्या था? वो कब्रों में रहता था जहां मुर्दे थे, उनके दरमियान रहता था, जंजीरों को तोड़ देता था। वेरी पावरफुल, उसके अंदर लश्कर था, और एक लश्कर में जो रोमन जो फौज होती थी 6,000 के करीब पैदल फौज और 700 उसमें घोड़सवार होते थे। तो आप देख सकते हैं कि नियरली 7,000, यू कैन इमेजिन दैट, उसमें डीमंस थी, एक लीजेंड था उसके अंदर, एक लश्कर था 6,700, और खुदावन ने उनको हुक्म दिया और उस रूम में चले गए। खुदावन ने उसको शिफा दी। Nowadays people are in isolation. Maybe they are in the hospital or at home. They are living death. मुर्दा लोगों के दरमियान रह रहे हैं। Those who are dying every day. शायद आप परेशान हो, आपको रोका जा रहा है, लेकिन आप जंजीरों को तोड़ते हैं, बेड़ियों को तोड़ते हैं, लेकिन खुदावन आपको शफा देना चाहता है। खुदावन आपके परेशानियों को दूर करना चाहता है। I'm not talking about only physical healing. I'm here talking about the spiritual healing as well. हमें ज़हनी तौर पर, जिस्मानी तौर पर शफा की जरूरत है। मैं आज आपको ये दरख्वास्त करना चाहता हूँ कि don't need to be afraid. There shouldn't be any doubt about the power of the Savior Lord Jesus Christ. आप उस पर भरोसा करें। I'm nothing. I'm just a servant of God. I'm just a vessel. मैं कुछ नहीं। हम भाई यहां पर मिलकर आपके लिए दुआ करेंगे और खुदा आपको शफा देगा। सिर्फ आपको ईमान से उस शफा को कबूल करने की जरूरत है। ना सिर्फ अभी लाइव प्रोग्राम में, बल्कि जो लोग इसके बाद रिकॉर्डिंग देखेंगे, खुदा उनकी हीलिंग पावर जो उसका भी काम करेगी। बिकॉज ऑफ गॉड इज सेम यस्टरडे टुडे एंड फॉरएवर। हमारा खुदावन जो है वो कल आज बल्कि तक यकसा है। अगर आप रिकॉर्डिंग भी देखेंगे तब भी आप खुदावन के जुड़ चुके हैं और खुदावन से दुआ करें, खुदावन आपको शिफा देगा। और जो लोग हमारे साथ इस वक्त सोशल मीडिया पर हैं, इफ देयर इज एनी प्रेयर रिक्वेस्ट यू कैन सेंड मी दैट टेक्स्ट मैसेज 07-18-99-2824 पर आप मुझे टेक्स्ट कर सकते हैं, आप कॉल भी कर सकते हैं। आई एम रेडी टू टेक योर कॉल्स। हम आपकी कॉल्स भी लेंगे और आपके लिए दुआ भी करेंगे। कुछ रिक्वेस्ट ऑलरेडी मेरे पास पहुंची हुई है, हम उनके लिए भी दुआ करेंगे। तो आइए हम आज की हीलिंग मिनिस्ट्री के काम को शुरू करते हैं। ये एक बड़ा ही सेंसिटिव काम है, बिकॉज जो बीमारियां हैं, जो ये तकालीफ हैं, अब्लीस जो है वो सताता है। और खुदावन ने इख्तियार बख्शा अपने फार्मों को कि जो कुछ तुम नीचे जमीन पर बांधोगे ऊपर आसमान पर बांधा जाएगा, और जो कुछ तुम नीचे जमीन पर खोलोगे ऊपर आसमान पर खोला जाएगा। खुदावन जो है वो कादर मुल्क है। मैं छोटी सी टेस्टमनी जो है उसके साथ इस बात को खत्म करूंगा। मैं कराची में था, बल्दिया टाउन में, और वहां पर हम बशारत का काम कर रहे थे चंद साल पहले। और मुझे पता है कि खुदावन ने जो मुझे टुकड़ा दिया हुआ है कलाम का, मैं उसके खुदावन का शुक्र करता हूँ। तो जब मैंने वहां पर कलाम सुनाया और हीलिंग मिनिस्ट्री के लिए वहां पर काम नहीं हो पाया, लोग आगे आए दुआ की, लेकिन जिस तरीके से लोगों की गवाहियां आनी चाहिए थी टेस्टमनी वो नहीं हुई। तो मैंने खुदावन से दुआ की, मैंने खुदावन ये तेरे लोगों की जरूरत है और तूने ये कहा है कि मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, खड़काओ तुम्हारे पास तो खोला जाएगा, ढूंढो तो पाओगे। मैंने खुदावन मैं इन लोगों के लिए तेरे जलाल के लिए खुदावन मैं तुझसे दरख्वास्त करता हूँ कि तू ये नेमत मुझे अता कर। और फिर जब दूसरे दिन हमने वहां पर इबादत की तो खुदावन ने बहुत काम किया। सिंस देन
I was in Faisalabad, throughout the Pakistan, in America, Canada, wherever I was, the healing hands were working over there. खुदावन का हाथ जो है वो काम करता है हमारे चर्च में. खुदावन ने बहुत दफा लोगों को बहुत सारी चीज़ों में खुदावन की जरूरतों को पूरा किया, उनको खुदावन ने बरकत दी है. तो मैं खुदावन का शुक्र अदा करता हूँ सारी मिनिस्ट्री के लिए, सारे काम के लिए कि खुदावन ने ब्लेस किया है. ये खुदावन की तरफ से एक गिफ्ट है, तोड़ा है. सो रिसीव दैट गिफ्ट ऑफ हीलिंग. खुदावन आपको भी ये बरकत देना चाहता है. जो भी आपकी समस्या है, चाहे आपकी फाइनेंशियल डिफिकल्टीज हैं, चाहे आपकी हेल्थ डिफिकल्टीज हैं, बहुत हम नुमान की तरह को छुपाते हैं. अगर आपकी अनस्पोकन प्रेयर रिक्वेस्ट है, आप जस्ट सेंड मी योर नेम. आप अपना नाम दे दें, बहुत सारे नाम जो मेरे सामने भी चल रहे हैं, आप अपना नाम भेज दें और हम अनस्पोकन प्रेयर आपकी प्रॉब्लम जो है खुदावन को मालूम है. दिस इज बिटवीन यू एंड गॉड. इफ यू डोंट वांट टू टेल अस, डजंट मैटर. खुदावन जानता है और हम आपके लिए दुआ करेंगे और खुदावन जो है वो अपना काम करेगा और आपको शफा देगा. आइए हम अपने सर को झुकाएं और खुदावन की तारीफ में हम जबूर गाएंगे और अपने आप को आज की इस मिनिस्ट्री के लिए तैयार करेंगे. जबूर 20 हम गाएंगे. खुदावन का शुक्र करेंगे कि खुदावन अपने वादों में सच्चा और बरहक है. हम अपने आप को तैयार करें खुदावन के हजूर. सारे काम आप छोड़ दें और इस वक्त आप खुदावन के हजूर संजीदगी के साथ आप बैठें और खुदावन जो है वो आपको शफा देगा. मेरा ये भरोसा है, मेरा ये ईमान है. हम खुदावन का शुक्र अदा करते हैं. अगर खुदावन की और खादिम जो है वो शामिल होना चाहते हैं तो जूम पर आप हमें ज्वाइन कर सकते हैं और आप इन बहन भाइयों के लिए मिलकर हम दुआ करेंगे. बिकॉज दिस इज नॉट अ वन मैन शो, ये खुदावन का काम है. अगर आप मेरे साथ ज्वाइन करना चाहते हैं तो मैं आपको दावत दूंगा कि आप जरूर हमें ज्वाइन करें. हमारे साथ खुदावन के खादिम फारूक खान साहब हमारे साथ हैं, पास्टर रोशन लाल है हमारे साथ. तो ये खुदावन के खादिम हैं. मैं इनको दावत दूंगा कि यू आर वेलकम टू गिव अस अ कॉल. हमारे साथ तो बहुत सारे और भी बहन भाई हैं, मैं उनको भी वेलकम कहना चाहता हूँ. जवेद भट्टी साहब हैं, हमारी प्यारी बहन बुआ अजरा चांद हैं, बिन्यामीन यूसुफ हैं लाहौर से, ग्लैडिस विक्टर हैं हमारी बहन, हम उनको भी वेलकम कहते हैं. और खुदावन के खादिम मजीद को और मैं आकाश में फैसला बड़े अच्छे खुदावन के खादिम हैं और खुदावन के शफा का खास जो थोड़ा बख्शा है. आकाश अगर आप मेरी फेसबुक पे जाके आप जूम का मास्क पहन रहे हैं तो आई विल थैंकफुल टू यू. आप भी आ सकते हैं और ये जो बहन भाई हैं आप जरूर हमें ज्वाइन करें. हम सब मिल करके इन सब बहन भाइयों के लिए दुआ करेंगे. हिना शाहिद हमारे साथ हैं, शुक्र अदा करते हैं. दुख से मेरे तेरी होगा सुने दुआ, इज्जत तेरी बताने का याकूब था. हम आपके सारे माहौल को खुदा हाथों में देंगे. Thank you.
ہے آپ کلام میں قدرت پائی جاتی ہے. نمبر 309 جہاں پر بھی آپ ہیں آپ تعلیم سے خدا کی ہم کریں because you are worshiping the living God. Doesn't matter if you are sitting with your friends or with your family members, it is good to praise Him. سب مل کر خدا کی ہم کریں. جب ہم ورشپ کے بارے میں سیکھ رہے تھے تو میں نے آپ کو سکھایا تھا کہ جب ہم جینرلی خدا کی ورشپ کرتے ہیں تو اس میں اپنی جو باڈی لینگویج ہے آپ کی تالیاں بجانا, خدا کے دور جھکنا, سجدہ کرنا, all these things are including in your worship. So there shouldn't be any hesitation. آپ خدا کے دور تالیاں بجائیں, خدا کی ہم کریں, یسوع نام میں قدرت پائی جاتی ہے. اور انہیں صحت و تندرستی عطا فرمائے.
हम दुआ मांगेंगे लोगों के लिए जो कि कोरोना वायरस का शिकार हैं और हॉस्पिटल में हैं, हम उनके लिए दुआ करेंगे। और आप लोग जो दूर नज़दीक हैं, जो इस वक्त हमारे साथ हैं, हम आपके घराने के लिए, आपके दोस्तों अजीजों के लिए जो कि बीमार हैं, उनके लिए दुआ करना चाहते हैं। आइए हम अपने सरों को झुकाएं और हम ज़बूर 40 जो है उसकी दो आयात जो हैं वो गाएंगे। उसके बाद हम अपने नेक्स्ट फेज में दाखिल होंगे दुआ के। आइए हम थोड़ा अपनी दूरी को महसूस करते हुए दुआई अंदाज विदाउट द ड्रम्स हम इस ज़बूर को गाएंगे। मैं सब्र के नाल हाथ रख के यहोवा दी करदा सा इंतजारी, तद उसने मेरे दिल तक खा के सुनी मेरी सारी आहोजारी। मैं सब्र मेरा आस रख के यहोवा दी करदा सा इंतजारी, मैं सब्र देना आस रख के यहोवा दी करदा सा इंतजारी, दोस्त मेरे तर्स आए सुनी मेरी सारिया हरिया, दोस्त मेरे तर्स खाके सुनी मेरी सारिया खतरे दे रोए देखो बेहानू है मैनू कट के ले आया बाए, ओ खतरे दे रोए देखो बेहानू है मैनू कट के ले आया बाए, बख्शी करोस्त हरी चटानुते खेतर में ते बख्शी कदमा तारीफ करते हैं कि जब ऐ खुदावंद हम तेरे सुंदर कदमों में आए हैं खुदावंद, तू हमारी फरियाद को, हमारी मिन्नतों को सुनता, कबूल करता और जवाब देता है। ऐ प्यार से भरे खुदावंद, हम तेरी सारी शफा बख्श कुदरत के लिए तेरा शुक्र करते हैं कि जब तू कहता है और हो जाता है। ऐ प्यार खुदावंद, हम इस वक्त उन तमाम बीमारों को जो कि घरों में हैं, हॉस्पिटल्स में हैं, खुदावंद तू उनको जानता है, खुदावंद तू हर एक को नाम बनाम जानता है। तेरे यीशु जी, उनके लिए तेरी कुव्वत चाहते हैं, तेरी शफा चाहते हैं, क्योंकि अब खुदावंद तो अपने चाहने वालों को कभी भी शर्मिंदा नहीं होने देता। तेरे यीशु जी, जब तू दुनिया में था तो तेरे कहने और छूने से मरीज शफा पाते थे। तेरे यीशु, हम दरख्वास्त करते हैं प्यार से मेरे खुदावंद अपने भाई दिलशाद गिल के लिए, वज़ला चांद के लिए, इस सिंह के लिए, इस बरकत के लिए, और ऐ तेरे खुदावंद हम और भी जितने लोग खुदावंद हमसे दूर तेरे करीब हैं, खुदावंद जिनके नामों को हम नहीं जानते,
मेरे यीशु जी दरख्वास्त करते हैं कि तू अपना शिफा वाला हाथ बढ़ा और उनकी सारी तकलीफ सारी बीमारी तेरे यीशु नाम में जाती है। खुदावंद हम ये जानते हैं कि तेरा खुदावंद जब हम मुश्किल में होते हैं परेशानी में होते हैं दिल बर्दाश्त का होते हैं, लेकिन खुदावंद तेरे लिए कोई बात भी नामुमकिन नहीं है। खुदावंद छू और कुवत दे, ताकत दे, हिम्मत दे, सेहत दे, यीशु के जिंदा और जलाली नाम में। हम इस बात को इसी तौर से जारी रखेंगे। हम खुदा के जोर बाकी जो जरूरतें हैं लोगों की उनके लिए दुआ करेंगे और हम खुदा के जोर इसी जरूर को हम जाते हुए आगे बढ़ेंगे। और मैं चाहता हूँ कि जिससे हमारे पास और नाम भी आ रहे हैं आप अपने नाम जो है उन्हें दे सकते हैं। हम इसी जरूर को जाएंगे और बाकी जो हजार भी हैं उसके बाद हम वो जो कि डायबिटिक हैं जो कि ब्लड प्रेशर के मरीज हैं खासतौर पर उनके लिए दुआ करेंगे और वो जो कि कैंसर के पेशेंट्स हैं हम उनके लिए दुआ करना चाहते हैं। खुदावंद आपके दिल को जानता है, खुदावंद आपके हालात को जानता है। हम डॉक्टर के पास जाते हैं जैसे उस औरत ने उसे अपना सारा माल मेरा घुमा दिया और छपा नहीं पाए, शायद आपने भी अपना रुपया पैसा खो दिया हो, आपने अपना जहनी सुकून खो दिया हो, लेकिन आज मौका है वक्त है, ये खुदावंद के जरूर बड़ा अहम वक्त है। आप शर्माए नहीं, झिझके नहीं, क्योंकि ये देखें जो शख्स बीमारी का सामना कर रहा होता है जिसको तकलीफ होती है उसको मालूम होता है, दूसरे लोगों को नहीं पता होता, जिसको प्रॉब्लम होती है उसको पता होता है। आपको प्रॉब्लम है, आप खुदावंद के पास हैं। और अगर आप किसी ऐसे शख्स को जानते हैं जो शायद इस प्रोग्राम को नहीं देख पा रहे हैं आपसे दूर है, जैसे हमारी बहन भी ने अपने भाई के लिए दरख्वास्त की, अभी हमने इस बात को सीखा था कि एक शख्स जो कि अपाहर था उसको उसके दोस्त चाहे वो चारपाई पर उठा के लाए, खुदावंद के आगे उन्होंने डाल दिया, छत को खोला, रिस्क लिया और खुदावंद ने उनका ईमान देकर उस अपाहज को खुदावंद ने शफा दी। आज मौका है कि आज आप अपने दोस्तों को, अजीजों को, बहन भाइयों को जिन्हें आप जानते हैं उनके लिए आप दरख्वास्त कर सकते हैं और उनके लिए हम दुआ करेंगे। हम खुदावंद के जोर दुआ करेंगे कि खुदावंद इन्हें कुवत दे। हम इस जबूर को बनाएंगे और वो आज इनको गा देते हैं, हम दोबारा दुआ की तरफ बढ़ेंगे। को से गाहर जान
रात रखे के यहो करदा साइन जारी से मेरे तर्स के सुनी मेरी सारी के लिए हम अनिल गिल के लिए दुआ करें जो कि पैरालाइज है, जो खुदा उस बच्चे को उठा खड़ा करे और पिता की जो भी मुश्किल है खुदा जानता है। हम उसके लिए दुआ करें जो कि वो रॉड मंडी में है, खुदा हर जगह मौजूद है, खुदा उनसे छूट। हम दुआ करें वो लोग जो कि हाई ब्लड प्रेशर के, लो ब्लड प्रेशर के, शुगर के, कैंसर के मरीज हैं, खुदा उन्हें छूए, उन्हें बरकत दे। हम दुआ करें खुदा उन बेटी रिफत के साथ हो, रिफत अकील के लिए, सहमा वॉल्टोर के घराने के लिए, बिन्यामिन के वाल साहब के लिए जिनकी सांस की प्रॉब्लम है, सराज साहब के लिए जो चल नहीं सकते उनके लिए दुआ करेंगे। Sometimes it's very important to listen to the voice of our Savior, because we need to understand, we need to listen what is the will of God. Sometimes He is allowing us to have the experience of that suffering, sickness, because He wanted to teach us something. खुदा हमें कुछ सिखाना चाहते हैं, खुदा चाहते हैं कि हम उनकी तरफ रुजू लाएं। I can feel in my spirit that those who are watching this program, there are people, those who are away from God, those who fail to understand and recognize the true love of God. God allowing all these things in their life so they may have the experience of the love of God. जो खुदा उन्हें कैसे छूता है, कैसे खुदा हम शिफा देता है, हम उनके लिए दुआ करेंगे। खुदा उन्हें और ज्यादा हिम्मत अता करें। Let us spend few moments in silence and try to listen the voice of God. खुदा के सुरु उन्हें खुशाम करें। खुदा की हजूरी यहाँ पर मौजूद है। इज अ वेरी पावरफुल अनॉइंटिंग ऑफ द होली स्पिरिट। स्पिरिट ऑफ गॉड इज वर्किंग इन योर लाइफ। गॉड वांट टू टच यू। खुदा आपको छूना चाहता है। दिस इज द टाइम टू इनवाइट हिम। सख्त दिली का गुनाह खुदा को पसंद नहीं है। खुदा के सुर साइश करेंगे। जवाब जलाल हालेलुया। खुदा काम करता है, खुदा आज भी काम करता है। खुदा का शुक्र करें। जलाल जलाल हालेलुया, जलाल जलाल हालेलुया, जलाल जलाल हालेलुया, जलाल जलाल हालेलुया, जलाल जलाल हालेलुया। खुदा काम करता है, जलाल जलाल हालेलुया, जलाल जलाल जय।
तूने अंधों की आंखों को खोला, तूने मुर्दों को जिंदा किया। तेरे यीशु, हम तेरा शुक्र अदा करते हैं तेरे उस अजीम नाम के लिए, क्योंकि आसमान के तले जमीन के ऊपर आदमियों को और कोई दूसरा नाम नहीं बख्शा गया। खुदा, तेरे शागिर्दों ने वो जो कि लंगड़ा था, हैकल के दरवाजे पर बैठा था, उसको ये कहा कि सोना चांदी तुम्हारे पास है, चल फिर। आज ये खुदा उसी नाम को लेकर तेरा की मिन्नत करते हैं, तेरे यीशु जी तो इनको चला दे, इनकी सारी मुश्किलात तेरे यीशु नाम में जाती है। खुदा तू जानता है, हम नहीं जानते हैं कि तेरी क्या मर्जी है, तेरा क्या इरादा है, लेकिन ये खुदा तो अपने बच्चों को दुख और तकलीफ में पड़ा नहीं रहने देता, बल्कि उसमें से निकलने की राह पैदा कर देता है, उनको उनकी कुवत से ज्यादा नहीं आजमाता। तेरे यीशु जी तूने छू, सारी ब्रोंकाइटिस की प्रॉब्लम, कोरोना वायरस की प्रॉब्लम, खुदा तेरे यीशु नाम में जाती है। खुदा सारी शुगर की प्रॉब्लम, कैंसर की प्रॉब्लम तेरे यीशु नाम में चली जाए, क्योंकि खुदा तूने इन बदलों की कीमत अदा की है। yes, और इन बीमारियों का, इन अबलिसी कुर्तों का, इन जिस्मों पर कोई इख्तियार नहीं है, क्योंकि हम कीमत से खरीदे गए हैं। तूने इन बदलों की कीमत अदा की है। अबलिस मारने वाला, हलाक करने वाला है, पर तू बचाने वाला है। बचा लीजिए, अपना हाथ बढ़ाइए, कुवत दीजिए, ताकत दीजिए, बड़ी बरकत दीजिए, और जो नाम है खुदा उन आपके सामने रखे गए हैं, उनके खुदा उनको जानता है। खुदा जी इनकी सब मुश्किल को दूर कीजिए, बड़ी बरकत दीजिए, यीशु के नाम में आमीन। हम दुआ करेंगे उन लोगों के लिए जिनके औलाद नहीं है, जो भान है, खुदा उनसे दरख्वास्त करें, खुदा उन सारी मुश्किल को दूर करें। खासतौर पर हम अपने चर्च के उन बेटियों के लिए, खानदानों के लिए दुआ करेंगे, जोड़ों के लिए जो किस नेमत से महरूम है, हम दुआ करेंगे अपनी ब्रीन के लिए, सरफराज के लिए, वसीम के लिए, वसीम के लिए, कि खुदा अपना आसमान उन पर खोल दे। हम दुआ करेंगे खुदा उनकी जरूरत को पूरा करें। खुदा जानते से मालूम है, वाकई दुखों से वाकिफ है। जैसे हन्ना साल ब साल खुदा उनके घर में जाती थी, खुदा उनसे दुआ करती थी, लेकिन जब वक्त पूरा हुआ, जब खुदा उनकी मर्जी हुई, खुदा ने उसके राम को खोला। खुदा उनसे दुखास करे, तो खुदा उन बेटियों के साथ, उन बहनों के साथ हो, उन्हें बरकत दे, उन्हें कुवत दे, हिम्मत और ताकत बख्शे। खुदा की सुर इसी तौर से इंतजार करते हुए, गिरजारी करते हुए खुदा की सुर गीत गाएंगे, और फिर
अगर और भी किसी के लिए मुश्किल है तो आप मैसेज कर सकते हैं, टेक्स कर सकते हैं। आप नंबर जो है स्क्रीन पर मैं उनको दोबारा डाले देता हूँ, 07-18-9-2-8-2-4 पर आप कॉल कर सकते हैं, 07-18-9-2-8-2-4। जी हाँ, ये मेरा नंबर है, इस पर आप स्टूडियो में कॉल कर सकते हैं। अगर आप मैसेज करना चाहते हैं तो भी आप मैसेज कर सकते हैं। हम आपके लिए दुआ करेंगे कि खुदा आपकी मुश्किल को आसान करे, और फिर हम इन बहनों के लिए दुआ करेंगे। हमारे पास कुछ और नाम भी आए हैं, हम उनके लिए भी दुआ करेंगे, और हम खुदा के जरूर बड़े खूबसूरत गीत है, तो मेरी खुशी है तो मेरा मजा है, और हम खुदा की साजिश करेंगे रूर सिंचाई से नंबर 374। अगर आपकी और भी कोई मुश्किल है तो आप जरूर बताएं हमें, फिर हम दुआ करेंगे आपके लिए, गीत गाएंगे। तू मेरी खुशी है, तू मेरा मसा है, तू मेरी कुवत है। 374
चाहता हूँ उनकी मुश्किल को दूर करें, मेरे साथ मेरा नाम पढ़े मन पर हाथ रख के उनके लिए दुआ करना चाहता हूँ। खुदावंद उनके बदलों को छुए, सारी परेशानी, सारी कमजोरी, सारी तकलीफ, सारी कमियां यीशु के नाम में दूर हो जाए। परम पिता तेरा शुक्र करते हैं, तू हमारा मसा है और तेरा कलाम में सिखाता है कि मसा के सबब से बंधन टूटते हैं। खुदावंद ये पहाड़ जो ना जोर से ना ताकत से बल्कि तेरी रूह से खुदावंद कहता कहता और मैदान हो जाएगा। तेरे यीशु जी तू हमारा रोना जानता है। तेरे खुदावंद मैं इन बहनों के लिए दुआ करता हूँ कि तेरे खुदावंद कल हमको खोल दे, और जो भी कमजोरी है, जो भी मुश्किल है, खुदावंद तेरे यीशु नाम में जाती रहे, क्योंकि खुदावंद तू हमारे मांगने से पहले जानता है तेरे बच्चों की चीज की जरूरत है। तेरे यीशु जी मैं तेरा खादम होते हुए इनको तेरे तख्त के सामने लाता हूँ। दुआ करते हैं खुदावंद तुम्हें बरकत दे। तेरे यीशु जी हम दुआ करते हैं सिस्टर अतिका के लिए और अपने भाई माइकल सोहोत्रा के लिए, उनकी अथोराइटिस की जो भी प्रॉब्लम है खुदावंद उसे दूर कर, खुदावंद सारी दर्द सारी तकलीफ तेरे यीशु नाम में चली जाए। तेरे यीशु जी मैं इस वक्त उन बहन भाइयों के लिए दुआ करना चाहता हूँ कि जो कि ज़हनी तौर पर डिप्रेशन का जो उसका शिकार है, तेरा खुदावंद अपने हालात की वजह से, खुदावंद अपने फाइनेंशियल क्राइसिस की वजह से, तेरे यीशु जी तेरा आसमान पर खुल जाए और कि सारी माली मुश्किलात तेरे यीशु नाम में दूर हो, क्योंकि खुदावंद हमारा भरोसा तू ही है, हमारा तोकल तुझी पर है। खुदावंद तेरे पास तमाम तरह की नेमते और भक्ते हैं, सोना तेरा है, चांदी तेरी है, माल दौलत तेरा ही है। खुदावंद तू उन पर अपना आसमान खोल दे। तेरे यीशु जी मैं उन अजीजों के लिए जिनकी इमिग्रेशन की प्रॉब्लम है, तेरे यीशु को तेरे तख्त के सामने लाता हूँ, अपनी कलीसिया के एक एक खानदान के लिए दुआ करता खुदावंद उनके साथ। मैं भाई अर भट्टी के लिए, फिर बहन रुबीना भट्टी के लिए, बच्चों के लिए दुआ करता खुदावंद उनके साथ। तेरे खुदावंद तुझे बड़ी बरकत दे और सारे बंधन सारी मुश्किलात तेरे यीशु नाम पे चली जाए। अपने भाई के लिए दुआ करते हैं, भाई गुलजार अहमद के लिए जिन्होंने तुझे कबूल किया है, खुदावंद वो अकेला है पर तू उसके साथ है। खुदावंद ये तेरे कलीसिया के लोग उसके खानदान के अफराद हैं, खुदावंद उसे बड़ी बरकत। हम खुदावंद दुआ करते हैं हम शुगर के सारे पेशेंट के लिए जिनके नाम है खुदावंद तेरे जरूरी है भी जिनको हम जानते हैं नहीं जानते। हम एड रशीद साहब के लिए दुआ करते हैं, तुम तो अपने माता के साथ हो जिन्हें सलामती से लेकर आया, इन्हें बड़ी बरकत दे। खुदा मैं दुआ करता हूँ इन दिनों में जबकि खुदावंद तेरे लोग माली मुश्किल का शिकार अपने कारोबार की वजह से, और अगर खुदावंद जिनके अजीज उनसे दूर हैं खुदा उनके लिए दुआ करते हैं बरकत। इस वक्त खुदा मैं अपने दोस्तों के लिए, भाइयों के लिए, साथियों के लिए, तमाम एडर साहबान के लिए तेरी बरकत चाहता हूँ। खासतौर पर खुदा तेरी शुक्रगुजारी करता हूँ तेरे खुदा अपने भाई सुहेल जी के लिए, उनके कारोबार के लिए, उनके घराने के लिए खुदा दुआ करता हूँ, उनकी सब जरूरतों को पूरा कर, यकीन के साथ हो, उनकी खिदमत को कबूल फरमा, कुवत दे, ताकत दे, उनके घराने को बरकत दे। अच्छे तौर से तेरे खुदा मैं कलीसिया के एक एक खानदान को जो तेरे नाम से मंसूब है, हमसे दूर तेरे करीब है, उन्हें बरकता फरमा, सारी टेंशन सारी परेशानियां तेरे यीशु नाम में चली जाए, के बच्चों को बरकत दे, जबकि स्कूल है खुदावंद खुलने वाले हैं, टीचर्स के लिए खासतौर पर खुदावंद हमारे चर्च में टीचर्स हैं, मैं दुआ करता हूँ शादी चांद के लिए बेटी के साथ हो रहा, तो बच्चों को खुदा मैं तेरे पाप उनमें छुपाता हूँ, कोई भी अबलीसी कुवत उन्हें छूने ना पाए, तेरे लहू की बाढ़ इन बच्चों के चौगिर्द रहे, तेरे फरिश्तों का पहरा इनके घरों के चौगिर्द रहे। खुदावंद बड़ी बरकत देना, आपकी सारी इस मीटिंग में तेरी बरकत हो। कुछ मांगना भूल गए हैं, किसी का नाम नहीं ले पाए, खुदावंद मैं उनके लिए तेरी बरकत चाहता हूँ। खुदावंद ये तेरा बदन तेरी कलीसिया एस्टर यूनाइटेड फॉर्म चर्च के लिए दुआ करते, उसके दरवाजे तेरे यीशु नाम में खुल जाए, तमाम गिरजाघरों के दरवाजे तेरे यीशु नाम में। खुदा मैं अपने चर्च के एक एक खानदान के लिए
तेरी बरकत चाहता हूँ खुदा, तुझ सबके साथ हो और वो जो जिनके कारोबार भी खुदावन बंद पड़े हैं, मेरे खुदा मैं उनके लिए दुआ करता हूँ, मेरे खुदा उनके उनके कारोबार को खोल। मेरे यीशु मैं दुआ करता हूँ कि वो जो नर्सेज हैं, जो डॉक्टर्स हैं, जो कि फ्रंट लाइन पे काम कर रहे हैं, खुदा उनके लिए तेरी बरकत चाहता हूँ। मेरे यीशु जी तूने अपनी पनाह में तेरे लोगों की खिदमत कर रहे हैं, मेरे खुदा तूने हमेशा बचाए रखना। खुदा मैं तमाम अपनी नर्सेज बहनों को तेरे सामने याद करता हूँ, सबको नाम बता मैं खुदा को जानता है, मेरे खुदा तेरे को पूछू एक बार फिर तमाम एल्डर साहबान के लिए नाम बदाम तेरी बरकत चाहता हूँ। खुदा इसके लिए सबका तेरा दाना हाथ रहे, अपने घराने के लिए तेरी बरकत चाहता हूँ। खुदा को मेरी खिदमत को बरकत बना, इस टीवी चैनल के लिए तेरा शुक्र करते हैं, इस माध्यम के लिए तेरा शुक्रगुजार करते हैं, बाइबल टीवी ग्लोबल के लिए तेरा शुक्र करते हैं, तेरा कलाम इसके जिले से जहां जहां भी पहुंचता है खुदा वो जमीनें वो जमीनियां सैराब हों, वो जहन जखेज हो जाए, बड़ी बरकत दे। आज की रात हमारे साथ होना, सुबह की रोशनी दिखाना, यीशु की जिंदा जलाली बाबा बरकत नाम में आमीन। हम खुदा की तारीफ करते हुए आज इस इबादत को करेंगे और गीत गाएंगे, बने रहो तुम बने रहो यीशु में बने रहो, गीत नंबर 340, बने रहो तुम बने रहो यीशु में बने रहो। बने रहो
है जो डायरी में कायम रहती है, बहुत सफल रहती है। हमारे पास कुछ और नाम आए हैं, सिस्टर रोजरी है जो चलते नहीं सकते, उनके लिए हम दुआ करेंगे। अलियास भट्टी साहब के लिए तो खुदा उन्हें कुव्वत ताकत बख्शे। इसके अलावा कल की तमाम इबादात के लिए हम खुदा की बरकत चाहेंगे, और संडे की इबादत के लिए कल 2 बजे लुटन चर्च की जो इबादत होती है ऑनलाइन वो इबादत होगी, आप उसमें हमें ज्वाइन कीजिएगा। उसके बाद शाम को आप जानते हैं कि 7 बजे हमारी ग्रुप वाइज स्टडी होती है। तो आई एम ट्राइंग टू कीप यू वेरी बिजी। बहुत से लोग कहते हैं कि कोरोना वायरस ने बोर कर दिया, मुझे तो बोर नहीं किया। मैं तो खुदा का शुक्र करता हूँ कि हर रोज एक नया दिन होता है, और टाइम ही नहीं है। तो कल 2 प्रोग्राम हैं, एक तो लाइव जो है मैंने बताया कि 2 बजे इबादत होगी, और उसके बाद अच्छा मेरा इतना जी चाहता है कि सुबह सवेरे मैं कोई प्रोग्राम करूँ, लेकिन आप जानते हैं कि काफ़ी लंबा हो जाता मेरे लिए, और फिर मेरा गला भी बहुत मेरा साथ नहीं देता। तो लेकिन अगर कोई भी सुबह का प्रोग्राम करना चाहता है तो ज़रूर आप करें लाइव प्रोग्राम, और मेरे बड़ी अच्छा है कि सुबह का प्रोग्राम जो होना चाहिए सुबह सवेरे हम खुदा की तारीफ करो। मेरा जो प्रोग्राम होता था रेडियो पर, आपको पता है एशियन गॉस्पल शो, बहुत ज़्यादा लोग पसंद करते थे, उसको करें अगर खुदा ने चाहा, और यकीन खुदा चाहता है तो हम ज़रूर उसको भी करेंगे। लेकिन कल दोपहर 2 बजे हमें ज्वाइन कीजिएगा, और उसके बाद शाम को 7 बजे बाइबल स्टडी में शामिल होइएगा, और संडे को सुबह 10:30 बजे बीच में, और फिर 2 बजे बात करेंगे। आपने अपना कीमती वक्त निकाला है, और आप सबके बीच आपने हमें ज्वाइन किया रखा। तो हम फ्राइडे को कोशिश किया करेंगे कि इसी तरह की जो एक हीलिंग हिस्ट्री है उसको हम जारी रखें, और तक लोगों को मालूम होता जाए, और लोग जो हैं वो इसके लिए हमारे पास आते हैं और हम उनके लिए दुआ करते रहें। तो एवरी फ्राइडे रात 8 बजे हम हीलिंग हिस्ट्री के लिए इकट्ठे हुआ करेंगे। तो आइए हम इनके लिए दुआ करें, जो खास हमारे पास आई है उसके बाद हम दुआ बनी कहेंगे, और आज की इस मीटिंग को हम ख़त्म करेंगे यीशु के नाम में। सिस्टर रोजी के लिए और लियास पुटी साहब के लिए हम दुआ करेंगे, और खुदा की बरकत चाहेंगे। हम रिजा के लिए दुआ करेंगे, खुदा की बारूदी सारी दर्द को दूर करें, उसे काम से तमसी बख्शे। मेरे गले के लिए भी दुआ करें कि खुदा की सारी कमजोरी को दूर करें, जैसे खुदावन ने गुजरे वक्त में संभाला जबकि मेरी आवाज़ बंद हो गई थी, खुदावन ने आवाज़ को खोला। खुदावन आयदा भी ऐसे करे, और सारी खामियों को कमजोरियों को खुदावन दूर करे, और खुदावन ने काम से तरक्की बख्शे। सर ये सभी तेरा शुक्र अदा करता है कि सारी मीटिंग के लिए, और अगर खुदावन भी हम शुक्र तेरे दूर फिर एक बार आते हैं, और रोजी के लिए रियाज के लिए इज्जत के लिए दुआ करते हैं कि खुदावन तू इन्हें छू, और सारी कमजोरी तकलीफ अपने यीशु नाम में दूर कर। आज के सारे प्रोग्राम पर तेरी बरकत हो, और आइंदा के जितने भी प्रोग्राम हैं कल की इबादत के लिए और संडे की इबादत के लिए, खुदा तेरी बरकत चाहते हैं। खुदा तो हम सबको अपने गुनाह में लिए रहे, और खुदा जो भी इनकी मुश्किल हैं खुदा खासतौर पर जब तुम्हारी पहली बहन और उसकी चलते नहीं सकती है, खुदा तुम्हें कुव्वत अता कर दे, और लिहाज के साथ हो जो भी इनकी मुश्किल हैं खुदा तुम्हें दूर कर, और बड़ी बरकत दे, हम सबको अपने गुनाह में लिए रहे। यीशु के जिंदा जलाली और बाबर करता हूँ, तेरा नाम पाक है, तेरी बात शहर है, तेरी मर्जी जैसे आसमान पर पूरी होती है जमीन पर भी हो। हमारे दोस्त के लिए आज बख्श दे, जो सब दूसरों को माफ़ करते हैं तो उनको माफ़ कर, हमें आसमानी की न पड़ने दे, तो उनके भाई से बचा, उनके बाद से खुदा से बचा, हमेशा तक रहे। खुदा अपना चेहरा आपका जलवा कर फरमाए, खुदा आपके बदन जान रूह की हिफाजत करे, आपका बुलाने वाला सच्चे वैसे करेगा। पर मैं खुदा सबसे कफर दो खुदा आपकी मोहब्बत पाकों की कृपा को दशा का तब से लेकर हमेशा तक आप सबके साथ और दुनिया भर की कब्जे के साथ होती रहे। थैंक यू गॉड ब्लेस यू, खुदा आप सबको बड़ी बरकत दे, और आइंदा भी इसी तरीके से प्रोग्राम को देखते रहिएगा और हमारा साथ दीजिएगा। खुश रहें और खुश रखें, खुदा आप सबके साथ हो। वेरी गुड नाइट, और कल आपसे फिर मुलाकात होगी। गॉड ब्लेस यू।